प्रदेश में गरीबों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, ये जानकारी हाईकोर्ट में शासन के द्वारा दी गई है। पीएससी के खिलाफ लगी 3 याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को ये जानकारी शासन दी। पीएससी द्वारा 9 फरवरी को आयोजित परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आर्थिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने पर विक्रम सिंह अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इसके अलावा 2 और याचिकाओं के माध्यम से पीएससी से 10% आरक्षण की मांग की गई थी। मामले में सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम बहादुरी की बेंच सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है और अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि सरकार ने विधानसभा में अध्यादेश विधान सभा में पेश नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक अनिवार्य है और अध्यादेश को नियमित सत्र में लाया जाना चाहिए। अध्यादेश पारित नहीं कराया जा सकता है तो एक बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि सरकार के ऊपर वो दायित्व ढील है कि किसी भी अध्यादेश को वो या तो विड्रॉ कर ले, अगर वो उसे वापस नहीं लेती है तब उसके ऊपर ये एक संवैधानिक दायित्व है कि उस अध्यादेश को विधानसभा के पटल पर रखे।